नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने का मिशन शुरू। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद नहीं जाएंगे पीएम मोदी। बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी किया सम्मेलन से किनारा। पाकिस्तान ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हेकड़ी, कहा छोटा समझने की गलती ना करे हिंदुस्तान। पाक रक्षा मंत्री का बयान, भारत ने खुद ही रची उरी हमले की साजिश। हिंदुस्तान के तेवर से डरे पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर के पास शुरू किया युद्धाभ्यास। पाक सेना और एयरफोर्स के संयुक्त अभ्यास से चौकन्नी हुई बीएसएफ। पाकिस्तान से तनातनी के बीच पर्यटन मंत्री महेश शर्मा का बयान, कहा पाक से आने वाले सैलानियों का हिंदुस्तान में स्वागत। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पीड़ित पक्ष चंदा बाबू और बिहार सरकार ने की है जमानत रद्द करने की मांग। मराठा आंदोलन पर विवादित कार्टून पर सामना के कार्टूनिस्ट ने मांगी माफी। कल नाराज आंदोलनकारियों ने अखबार के दफ्तर पर किया था हमला। बीसीसीआई ने की चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष संदीप पाटिल की खिंचाई, कहा पाटिल का बयान अनैतिक। पाटिल ने खुलासा किया था कि चयन समिति सचिन को टीम से बाहर करने वाली थी। तो ये थे इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।